नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर उर्मिला निश्चल और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ निर्मल स्किन एंड हेयर क्लिनिक विजयनगर बैंगलोर से। चेहरे के बाल निकालने के लिए सबसे असरदार तरीका क्या है? तो हमारे चेहरे के ऊपर दो तरीके के बाल होते हैं। एक तो मामूली सबको होता है, वो फाइन हेयर होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, और दूसरे थिक हेयर होता है, जैसे कि अपने आईब्रोज में वगैरह होता है ना, वैसे कई लोगों को साइड बर्न्स पे या उनके चिन पे या अपर लिप पे हो सकते हैं। तो अगर बाल थिक है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्यों थिक है, नॉर्मली ऐसे किसी को नहीं होता है। तो आपके अंदर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है क्या, हार्मोन इम्बैलेंस है या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसका पता करना बहुत ज़रूरी है। तो वो पता करके आप सही ट्रीटमेंट लेंगे तो नए बाल थिक होने से कम हो जाएंगे, और उसके बाद अगर हम कुछ ये जो हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे तो काम फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। तो हेयर रिमूवल के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स। तो वो क्रीम्स में क्या होता है कि थायोग्लाइकोलेट करके एक सब्सटेंस होता है, तो वो जो बाल होते हैं उनका बॉन्ड वीक करता है और उसको पिघला देता है और वो बाल चले जाते हैं। पर ये क्रीम स्किन को काफ़ी नुकसान कर सकता है, इससे इरिटेशन होती है और कभी कभी इन्फ्लेमेशन होती है और फिर स्किन डार्क भी हो सकती है। वो थोड़ा स्किन एक एक शेड डार्क होते जाएगा आप जैसे यूज़ करते जाओगे, और ये बहुत ही टेम्पररी मेथड है। मतलब आप करोगे दूसरे तीसरे दिन ही आपको वो बाल दोबारा ऐसे उग रहे ऐसे पता चलेगा, मतलब बाहर आ रहे हैं। तो दूसरा क्या, तो हेयर रिमूवल क्रीम्स इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। दूसरा वैक्सिंग। सो वैक्सिंग से क्या करते हैं, वैक्स लगाते हैं और खींचा जाता है, तो वो बाल जड़ से निकलते हैं पर वो जो सेल्स होते हैं वहीं पे छूट जाते हैं, तो वो बाल दोबारा ग्रो होते हैं। और जब हम इसे खींच के निकलते हैं तो स्किन को नुकसान होता है, वो जो ओपनिंग होता है जो पुल किया जाता है उससे अंदर इन्फेक्शन वगैरह जा सकता है और हमें फॉलिक्यूलाइटिस हो सकता है। और जब बाल खींचते हैं तो उनके डायरेक्शन को भी मायने रखता है, अगर गलत डायरेक्शन में खींचा तो क्या होता है, वो जो बाल होता है सीधे होता है, सीधे या एक एंगल में होते हैं, वो एंगल अगर नहीं मिलता उनको तो फिर वो ग्रो होके दोबारा स्किन के अंदर ही ग्रो होते हैं, तो उसको हम इनग्रोथ बोलते हैं। तो वो इनग्रोथ होने के चांस होते हैं और फिर ये सब होके स्किन डार्क भी हो सकता है। आप वैक्सिंग करते हो तो एक 4-5 हफ्ते में बाल दोबारा आते हैं। दूसरी बात है थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग से क्या होता है, आप थ्रेड को सीजर जैसे यूज़ करके बाल को स्किन के सरफेस पे कट करते हो, तो वो करते टाइम की स्किन सरफेस जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव बन जाता है और वो इरिटेबल बन जाता है, और बाल जो होते हैं वो कट होने के कारण थोड़े नोकीले होते हैं। तो वो नोकीले होने के कारण क्या होता है, जब वो ग्रो होते हैं तो हमें चुभते हैं और हमें लगता है कि बाल थोड़े मोटे हो गए, और फिर जैसे वैक्सिंग में इनग्रोथ होता है इसमें भी इनग्रोथ होता है। और आप थ्रेडिंग करो 2-3 दिन में ही आपके बाल ग्रो होना चालू होता है, तो आपको तो हर 15-20 दिन में भी करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर और बेस्ट टेक्नोलॉजी फिर है क्या, तो अगर बाल थिक है तो लेज़र हेयर रिडक्शन जो बोलते हैं, अलग अलग रीति के लेज़र होते हैं जैसे कि डायोड लेज़र है, इंडिया लेज़र है, उनके हिसाब से फिर आप बालों के थिकनेस के हिसाब से अलग अलग लेज़र यूज़ करके इनको पतला बनाया जाता है और वो पूरे जड़ से मिट जाते हैं। तो लेज़र में क्या करते हैं कि जो मशीन होता है वो आपके जहाँ पे बाल है उसको पहले एरिया मार्क करके, वो एरिया शेव करके, उसके ऊपर जेल लगा के फिर वो मशीन का प्रोब रखते हैं, तो वो जो लाइट होती है वो जाके अंदर हेयर्स के रूट्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो कुछ तो रूट्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत बचते हैं, तो इसीलिए हमें रिपीटेड सेशंस लगते हैं 1.5-2 महीने के अंतर पे। अगर फेस है तो 1.5-2 महीने का अंतर काफ़ी होता है, और 6-7 सेशन करो तो आपके बाल बहुत पतले और बहुत कम हो जाते हैं। लेज़र में नुकसान कुछ होता है क्या, अगर आप सही तरीके से करवाते हो तो कोई नुकसान नहीं है, बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। कभी कभी क्या हो सकता है, आप कहीं जाके धूप में घूम के आते हो या बीच वेकेशन पे जाके आते हो तो स्किन थोड़ी टैंड होती है,
तो टैन स्किन पे अगर लेजर हेयर रिडक्शन करते हैं तो थोड़ा स्किन बर्न होने का चांस होता है। तो अगर आप आपके डॉक्टर को बताते हो और सनस्क्रीन बराबर से लगाते हो तो लेजर हेयर रिडक्शन करने से कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही होता है। और ये जो फ़ायदा है वो काफ़ी हद तक परमानेंट रहता है। अगर आपके बाल थिक है तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम करो, अच्छा खाओ पियो, तो फिर सब ठीक रहेगा। और एनीवेज किसी भी रीज़न के लिए आपको अगर बाल निकलवाने हैं फेस के लिए, थिक बाल, तो उसके लिए लेजर हेयर रिडक्शन बेस्ट। अभी हम आते हैं फाइन हेयर्स के। सो फाइन हेयर्स सबको होते हैं पर कुछ लोग बहुत ही उसके कारण नाराज़ होते हैं कि मेरे बाल दिख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट और इजी तरीका है फेशियल ब्लीच। अगर आपके बहुत फाइन हेयर है और आपका कलर अगर फेयरर रेंज में है तो आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। ब्लीच यूज़ करने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है। एक पैच टेस्ट करिए कहीं पे भी और लगा के देखिए। तो फिर उससे क्या होता है, बालों का रंग काले से लाइट ब्राउन होता है और आपके स्किन को मैच करता है, तो आपके बाल वो दिखाई नहीं देते। तो अगर आप 2-3 महीने में एक बार करते हो तो काफ़ी है और ये काफ़ी हद तक सेफ है। दूसरा एक टेक्निक है डर्मा प्लेनिंग, जिसमें ना एक ब्लेड के सहाय से स्किन के ऊपर के बाल जो है वो शेविंग जैसे निकाले जाते हैं, बट शेविंग से ये थोड़ा अलग होता है। पर ये भी आपको एक 4 या 6 हफ्ते तक फ़ायदा करेगा। दूसरा वैक्सिंग, सो वैक्सिंग से अगर आप बाल यहाँ पे वगैरह, यहाँ पे स्किन बहुत नाजुक होती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होकर फॉलिकुलाइटिस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात है थ्रेडिंग, सो थ्रेडिंग भी वैसे ही होता है, वो बाल वापस आते हैं। दूसरी एक टेक्निक है फाइन हेयर के लिए, वो है क्यू स्विच्ड एनडीआर ग्लेजर। सो उसमें क्या होते हैं, बाल सरफेस लेवल पे ही आपके ब्लीच होके गिर जाते हैं। तो ये करते करते हमने ऐसे पाया है कि 2-3 महीने तक भी बाल आपके नहीं आते और धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सो अगर बाल थिक है तो लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर बहुत हल्के से है तो ब्लीच कर सकते हैं सेफली विथ ऑल प्रिकॉशंस, या तो क्यू स्विच एनडीआर लेज़र कर सकते हैं।